दोस्त को भी लगाओ बोले जिसे दिखाई देगा तो मुश्किल होगा। कभी नहीं कहेगा ना रात को थर्टी टाइम किया मेडिसिन खाया अच्छा है लेकिन तो थर्टी टाइम जाने से ना ऐसा नहीं होना है। आयो का घर में हमको बुलाओ बोलो। हाँ आयो जो मालूम है जो बोझो इस वरी से मेरी क्रीम से ले आया मुझे आपको इतना मिलने मन था सब लोगों को दिन को जी दाम पता कर कौन है सारी देर है बोलो एक साइड में क्या नाम था एलिसा खाना कैसे है देखो दुनिया में ना जितना भी माँ पिताजी हो जितना भी ये चम्मच छोटा सा चीज होता है आप खाना खत्म नहीं हुआ इसको थोड़ा समझ भी देने में क्या होता है ना। देखो यहाँ में कितना दीदी लोग हैं कितने हमारा ये दोस्त बारह आदमी इधर काम कर रहा है लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। दूसरा चीज़ होता है कि आपका भी गलती होता है समझ के दिया तो आप मांगना चाहता है। हम भी बहुत शर्म करता था ऐसे करते हैं ना हम तीन दिन खाना नहीं खाया क्योंकि मेरा पैसा खत्म हो गया था दोस्त लोग से पैसा मांगने दिल नहीं होते ना तीन दिन खाना नहीं खाया शर्म नहीं करना मांगना है ठीक है। ऐसे ऐसे प्रोग्राम अपना धंधा नहीं रहता है वो पता का कमर टूट गया है उसको कौन देगा आप लोग एनआरआई रामायण सुना है दोस्तों सब टाइम खत्म हो गया तो एक साल हो ना तेनाली रामायण के बारे में कौन सुना है राजा रामचंद्र के बारे में कौन सुना है
तो अभी खाना खत्म हो गया। तेनाली रामन जो है राजा, जैसे बीरबल और अकबर का, जैसे तेनाली रामन और राजा रामचंद्र दोनों का भी बहुत ऐसे बात है जो हमेशा हम लोग सुनते रहते हैं, अच्छा लगता है ना। तो राजा रामचंद्र का भी बुरा हो गया था, बच्चा नहीं हुआ। जो एक बच्चा हो गया बुरा के समय में, तो वो पूरा मिठाई बात रहा था। तो तेनाली रामन बोला है कि क्या हुआ महाराज, आज क्यों इतना खुशी है? तो राजा रामचंद्र बोला कि आज मेरा बच्चा, लड़का बच्चा है तू, हाँ इसलिए हम बहुत खुश है। तो तेनाली रामन बोला है कि कितना खुश है? बहुत खुश है। तो राजा रामचंद्र तेनाली रामन को बोला आप कितना खुश है? तो तेनाली रामन बोला है कि कान्हा मत चलो, हाँ थोड़ा से हम बात बोलेगा, हाँ कान्हा को मत चलो ना भाई, आपके लिए मैं थोड़ा से बोल रहा हूँ टाइम पास। हाँ तो तेनाली रामन बोला है कि सर महाराज, जब हम टॉयलेट जाता है ना, जब हम टॉयलेट जाता है जाने का बाद जितना खुशी होता है, आज आपका बच्चा का जन्म का खुशी बराबर है ना। राजा बहुत गुस्सा हो गया, तुम तो मेरा बच्चा जन्म है और आप उसको टॉयलेट जाने के बारे में बात करता है। महाराज को जो जो जितना बेटा था और उसका तो मंत्री का ना, मंत्री जो उसको बुलाया तेनाली रामन को कल 12 बजे में पासी में डालना है। तो महाराज बोला तेनाली रामन को, तुम्हारा लास्ट ख्वाहिश क्या है? महाराज मेरा लास्ट ख्वाहिश है आपका गार्ड बनेगा, कल बाहर चौकीदार होता है ना, बेल बजाने वाला, घंटी बजाने वाला होगा, ठीक है? ततासु होगा, हो जाएगा, बन गया। तो तेनाली रामन क्या किया है, महाराज का जो समय को पता था वो ठीक 7 बजे में वो टॉयलेट जाता है। तो चौकीदार है, अभी बेल बजा रहा है, जो 3 बजे में घंटी बजना था उसको 5 बजे लगा, 1 2 3 घंटी को 1 2 3 4 5 घंटी बजा दिया। ऐसे करके जो 7 बजे में जो बजना चाहिए था उसको 3 बजे में बजा दिया। तो इसलिए वो राजा सोचा कि 7 बज गया उनके बाहर निकला है, तो वो गेट में करा था, महाराज ऐसे तो 12 बजे आप हमको पसीने चला देगा, आज के लिए लास्ट, वो लोग तो सागर का किनारे में है, तो तेनाली रामन आज आपको हम नाव में सैर कराएगा बोला। होगा ठीक है, आपको तो 12 बजे मरना है, आपका लास्ट च्वाइस है, हम पूरा करेगा बोल के उसको नाव में बिताया। तो लेके गया तेनाली रामन उसको पूरा सागर का अंदर 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 लेके गया। तो ये तो सोचा कि 7 बज गया, लेकिन 7 नहीं बजा था, 3 बजा था। तो उसको अंदर लेके चला गया, जो असली 7 बज गया उसको टॉयलेट लग गया, 1 घंटा रुकाया, 2 घंटा रुकाया, उसका बाद ही तेनाली रामन बोला है, महाराज बोला है तेनाली रामन जल्दी हमको किनारे में ले जाओ, ऐसे तो महाराज आप तो हमको तो पास ही चला गया है, और अंदर लेके चला गया। 12 बज गया, 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बजे में किनारे में किया, और ठीक से दौड़ के गया बाहर में, जैसे ही दौड़ के गया उसका बाद टॉयलेट किया, उसका बाद तेनाली रामन सामने आ गया, महाराज आपको कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, खुशी है क्या ना? आप बहुत खुश हो गया, हम तो इसलिए बोला था ना आपका बच्चा जो जन्म हुआ, हमको टॉयलेट में जाने का बाद जो खुशी होता है इसमें हमको भी इतना खुशी मिला है। मेरी नाली अब ठीक बोला है, आपका पासी नहीं हो गया, अभी आपको माफ कर दिया, कैसे लगा? तो अच्छा नहीं लगने से नहीं क्या करेगा, इसी सब बोला है तो अच्छा है, बोलना ही होगा, ये तो मुश्किल है। तो आइए क्वेश्चन सर।
दोस्त बोला था कि आपको कि आप इतना पढ़ते हैं वैसे बोल के आप फिर से आप पढ़ना छोड़ दिया, उसके बाद आप फिर डीसी कैसे बने? एक चीज हमेशा याद रखो, फंडामेंटल्स बेसिक या फंडामेंटल्स। कल भी हम एक ट्यूशन सेंटर हम विजिट करता है, जैसे आपका स्कूल हम जैसे विजिट किया, हम ट्यूशन सेंटर में भी विजिट किया। कल भी हम उस समय में एक बात को बोला है कि आप हिस्ट्री पढ़ रहा है, आप हिस्ट्री इसलिए पढ़ रहा है कि अच्छा मार्क लेगा उनके या क्लास में पास करेगा उनके। दो चीज होता है, एक है कि आप ये सब्जेक्ट को इसलिए पढ़ रहा है कि हमको जरूरी है, सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, सिर्फ मार्क के लिए नहीं है। तो कोई भी चीज को हम छोटा से ही ऐसे पढ़ता है, ऐसे दिखता है, ऐसे ही सुनता है। तो मेरा मोबाइल नंबर आपका पास है क्या? नहीं ऐसे आपका पास है? नहीं। देखो मेरा मोबाइल नंबर आपका पास नहीं है तो आप कैसे हमको ढूंढेगा? तो आजकल तो बहुत से रास्ता है, आप ढूंढ सकता है, लेकिन हम लोग का जमाना में वो नहीं था। तो इसलिए चीज को आप हिस्ट्री क्यों पढ़ता है? तो हिस्ट्री इसलिए हम पढ़ते हैं कि उस जमाना में उस राजा ने उस प्रजा ने इकोनॉमिकली सोशली पॉलिटिकली वो कैसे शासन करता था, आप उसमें इंटरेस्ट लेना है। अगर उसको अगर आप उस हिसाब से पढ़ता है तो आपका जीवन भर ये हिस्ट्री आपका लाइफ में काम आएगा। अगर आप पढ़ता है एग्जाम पर्पज के लिए, मार्क के लिए, अवार्ड लेने के लिए, तो कोई काम आने वाला नहीं है आपका जीवन में। तो हम छोटा से ही इस ढंग से होता है, तो मार्क कुंठी मिला होगा, ग्रेड नीचे आ गया होगा, लेकिन आज का दिन में भी आप अगर आईएएस को एग्जाम लेता है, आईएएस का क्वेश्चन पेपर इससे सेट होता है, ऐसे सेट होता है। आईएएस का इंटरव्यू भी ऐसे सेट होता है। हम रिटिन में नहीं दिया, बाइबल में हम पास करके आया आईएएस का, इस ढंग से सेट करता है कि ये इंसान जो है जब आईएएस का पोस्ट मिलता है उस समय में समाज के लिए वो कैसे काम करेगा, उसी का ऊपर में सारा दिमाग लगा के क्वेश्चन को बनाता है। और आप पास होने से आप आईएएस बन जाता है। तो अभी भी हम देखो, हम रिटिन पास नहीं किया लेकिन वैभव में हम लोग सिलेबस सेम है। तो अभी क्या होता है कि अभी कोई मेरा सीनियर आईएएस ऑफिसर वहां बैठेगा, हम भी बैठेगा, कुछ यहाँ में प्रेजेंटेशन दे रहा है, हम जैसे सोच रहा था वो भी ऐसे बोल रहा है, दूसरा आईएएस ऑफिसर भी वही बोल रहा है। तो इसलिए जो हमारा जो सोचने का जो पैटर्न है वो समाज के लिए पब्लिक इंटरेस्ट के लिए वो सोच के करता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो क्वेश्चन होता है वो बेसिकली आप उस पोस्ट के लिए फिट है कि अनफिट है के देखता है। तो ऐसे होके हमारा जो स्कूल कॉलेज अगर 1 लाख पोस्ट 1 लाख आदमी ने एग्जाम दिया, 10 पोस्ट है ना, तो 10 नंबर में तालुक खत्म हो गया ही होगा। 1 लाख आदमी ने एग्जाम दिया, अगर उसमें 100 आदमी होता है तो 99 का बाद हमारा ही लिस्ट होगा। तो आज के बाद क्या करना है, कोई भी चीज आप देखता है, कोई भी चीज आप सुनता है, तो दो ही रास्ता है ना घुसने का, आंख है और कान है। मुख से घुसता है क्या? मुख से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, बोल के जो
जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसको रिपीट करके रिपीट करके 1957 में बेटल ऑफ पेलासी 1957 बेटल ऑफ पेलासी ऐसे करके भी आप मुख से प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन आप ये 19 नहीं है 1857 तो ये है देखता है कान सुनता है, हम स्त्री स्टूडेंट नहीं है इसलिए गलती हो सकता है। तो हमेशा याद रखो आप बिल्कुल कहीं भी पीछे नहीं होगा, बायोलॉजी पढ़ता है, केमिस्ट्री पढ़ता है, कुछ भी पढ़ता है उसको एग्जाम का और रिजल्ट का मार्क का ऊपर मोक करो, मेरा जरूरी है। जरूरी कैसे करेगा, जरूरी आप अपना से बनाना होगा, ये हमको जरूरी है तो आप उसको अच्छा भी लगेगा अच्छा भी नहीं लगेगा आपको जो जरूरी चीज है। तो आपको जैसे मोबाइल चाहिए, हाँ जरूरी है मोबाइल चाहिए, बोलने से मोबाइल देने से खुश नहीं होगा, बहुत खुश होगा। आज टीचर लोग यहाँ में है, कोई कोई लोग यहाँ पर विदेशी लोग है, एजुकेशन पॉलिसी बनाने वाला है, ये लोग कभी नहीं सोचा है, कभी नहीं सोचा है कि क्लास में हमारा बच्चा लोग क्यों पढ़ने दिल नहीं करता है। इसलिए पढ़ने दिल नहीं करता है क्योंकि उसको काम सोचता है, ड्यूटी सोचता है, आई एम स्टूडेंट, हमारा ड्यूटी है पढ़ना पड़ेगा, जाने दिल नहीं होगा। जैसे क्लास संडे है छुट्टी है, अब कितना मजा आता है उस दिन में, हॉलीडे है कितना मजा आता है, सेम मजा को क्लास जाने में कोशिश करो, देखो कितना मजा आएगा। लेकिन इस चीज का ऊपर में कोई बात नहीं करता है, कोई बात नहीं करता है। हम जो आपका जैसे बच्चा था तो से लेके अभी तक क्लासरूम में जाने से वही चीज, माथा दर्द होता है, जाने दिल नहीं करता है, देखने दिल नहीं करता है, सुनने से नींद आता है, नींद नहीं आता है कभी कभी क्लास में, कभी कभी आता है, कभी भी नहीं आना चाहिए आपको, जो अच्छा लगता है ना उसमें नींद आता है, नींद टूट जाएगा। तो ये चीज के बारे में कोई नहीं सोचेगा, मंत्री भी नहीं सोचेगा, ये सारू भी नहीं सोचेगा, आप कभी सोचा है ऐसा, नहीं सोचा, सोचने का टाइम ही नहीं होता है, सभी लोग अपना अपना जमेला में फंसा हुआ है, कोई बीवी से तकलीफ हो रहा है, कभी बच्चा से तकलीफ हो रहा है, कभी हम घर बनाने के लिए, कभी हम दोस्तों का पार्टी में जाने के लिए, कोई शादी में जाने के लिए, सब बिजी है, लेकिन कोई नहीं सोचता है, कोई नहीं सोचेगा, तुमको अपना से सोचना होगा, ये क्लास को कैसे मजा लगेगा। मैं जब भी कोई स्कूल गवर्नमेंट स्कूल में जाता है तो मैं बोलता हूँ मेरा साथ रिपीट करो, आई लव माई स्कूल, सब लोग बोलता है आई लव माई स्कूल, सिर्फ मुख से बोल रहा है, यहाँ से अंदर से बोलता ही नहीं, आई लव माई टीचर बोलो बोला बोला आई लव माई टीचर, लेकिन तो सिर्फ डीसी साहब बोल रहा है बोल के रिपीट करता है, लेकिन अंदर से आप टीचर को प्यार करने लगेगा। अभी आप लोग चौथा है ना, हम लोग जैसे आदमी ना जिसको प्यार करता है बार बार देखने दिल करता है, बार बार साथ में देखने दिल करता है, बार बार बात करने दिल करता है, आई लव यू बोलने का मतलब वही होता है, तो होता ही नहीं इसमें, तो ऐसे है। इसलिए आपका सवाल का जवाब यह है कि अरुणाचल में हमारा जमाना में कोई भी एग्जाम देके कॉलेज नहीं किया इंजीनियरिंग मेडिकल में, हम फर्स्ट बैच है जो इंटरव्यू देके इंजीनियरिंग कॉलेज नेरिस जो अरुणाचल का फर्स्ट टेक्निकल कॉलेज है वहां में फर्स्ट बैच मैंने गया, 1000 आदमी में से 18 आदमी को सेलेक्ट किया, 18 नंबर हम है लास्ट नंबर, ठीक है। तो डिग्री कंप्लीट होने का बाद, डिप्लोमा कंप्लीट होने का बाद जब डिग्री कर रहा था तो जूनियर इंजीनियर का एग्जाम हुआ, तो जूनियर इंजीनियरिंग का भी अपना 10 पोस्ट खाली था, उसमें भी लास्ट नंबर जेई हमको मिला जूनियर इंजीनियर, और इंटरव्यू देके फिर एई का एग्जाम हुआ एपीसीएस में, वहां में भी यही मिल गया,
उसका बाद कुछ दिन पहले आईएएस का इंटरव्यू हुआ, वहां में भी हम सिलेक्ट हो गया। हमको भी पता नहीं कैसे मिल गया, हमको इतना ही पता है चाहे नौकरी हो या पढ़ाई का क्षेत्र हो, मन लगाना है। आप लोग का साथ जैसे यहाँ मैं पूर्ति कर रहे ना, ऐसे ही पूर्ति करके करना है, नहीं तो तुम थक जाएगा, बोरिंग हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, लाइफ में अपना अंदर में इंप्रूवमेंट करो। कपड़ा सपड़ा ये कुछ काम का नहीं, अपना अंदर में इंप्रूव करो। क्लास में भी टीचर लोग क्या करता है, बायोलॉजी सब्जेक्ट या बायोलॉजी का सब्जेक्ट चप्पर निकालेगा, धनाधन करेगा। सबसे पहले आपका दिमाग तो ठीक करे। हमारा क्लास में हमारा सब्जेक्ट में रुचि होने के लिए अभी जैसे इसको चम्मच नहीं मिला, ऐसे बहुत से बच्चा होता है, लेकिन कोई टीचर ध्यान नहीं देगा। धन आएगा धनाधन, यस यस यस, चप्पर सौ चल सौ, हाँ ब्लैक बोर्ड दे देना धनाधन। लेकिन उसमें से कोई माँ का पिताई का के कोई आया है, मुंह दो भूखे बिता हुआ है, उसका बारे में कौन सोचेगा? कोई नहीं सोचेगा। टीचर लोग का यही मेरा तो ऐसे बोलते रहने का है, वो सोचेगा नहीं, देखेगा नहीं। हर जन जो क्लासरूम में बैठा है, सभी को जो बिल्कुल ही समझ में नहीं आता है, उसको लास्ट में बैठा के, अरे बेटा आपका अब समझ में नहीं आया ना, इसे पूछना चाहिए। हाँ नहीं समझा हो तो के ठीक है, इसे करो सैटरडे में, आप संडे में तुम 7 बजे मेरा घर में आ जाओ, हाँ उधर तुमको पढ़ाएगा। इसे कोई टीचर बोला है? नहीं बोलेगा ही नहीं। वो तो ये क्लास को खत्म होगा वही देखते रहेगा। ऐसे ही तुम लोग भी बाद में नौकरी मिलेगा ना, यहां में आएगा 9 बजे टाइम होता है, आप आएगा 10:30 11 बजे, फिर 12 बजे खाना खाने जाएगा, उसके बाद 2-3 बजे आएगा, फिर 4 बजे चला जाएगा। सुबह में 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, जबकि आपको 6-7 घंटा काम करना चाहिए। ऐसे तुम मत करो ना भाई लोग, बाद में तो आप लोग ही डीसी होगा, आप लोग ही डीडीएससी होगा, आप लोग ही टीचर होगा, सब कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज आप लोग लेगा। ऐसा गलत काम मत करो। हाँ करेगा क्या? आपको अच्छा नहीं लगा ना, देखिए अभी चम्मच टूटा हुआ था, आपका खाना रुक गया था। तो ऐसे माफी हर आदमी जो हर क्लासरूम में है, किसी न किसी को रात को आप लोग को होता है कि नहीं बच्चा लोग को? हम लोग को तो कभी कभी रात को नींद नहीं आता है। क्यों नींद नहीं आता है? कारण ढूंढता है वो भी नहीं मिलता है। तो 12 बजे होता है, 1 बजे होता है, फिर हम तो 4 बजे 5 बजे उठता है। तो आजकल तो थोड़ा बुरा हो गया, हम थोड़ा वो क्या करता है, पैसा थोड़ा है तो पार्लर में जाएगा, वहां भी सोता है। तो वहां में पार्लर का जो, अरे इसका बारे में एक चीज बताना है। दो देखो, हम लोग आईएएस मिलने से, ऑल इंडिया में आईएएस मिलने वाला का उसका दिन का हजारा है 900-960 रुपीज जैसे कुछ होता है। और उसका बाद आप करोड़ रुपया खर्चा करके डॉक्टर बनेगा ना। अभी कोई भी हॉस्पिटल में पार जाइए ना, डॉक्टर लोग कितना फीस मांगता है, 500-600 कुछ मांगता होगा एक पेशेंट से, 500-600। हाँ अच्छा, ये जो पार्लर में, लेकिन हमारा लाइव वीडियो चल रहा है, लेकिन माफी चाहूंगा, हम फिर जाने से कोई हमको एकदम जोर से मत दबाओ, मेरा पत्थर हाथ पे हड्डी हड्डी है, चलो फिर तुम हमको क्यों बुलाएंगे? देखो ये देखो स्किल, अभी हम पूरा स्ट्रेस दे रहे हैं स्किल के ऊपर में। स्किल मतलब आप कुछ चीज ना फिजिकली सीखना चाहिए, बार बार सीखना चाहिए, उसमें आप परफेक्शन हो गए। अभी देखो ना, हम जब जाता है पाँव दबाने देता है तो 2000 कुछ, माथा दबाने दिया तो 2000 कुछ, बदन दबाने दिया तो 3000 कुछ, तो कितना होता है? एक आदमी से 6-7 हजार रुपया मिलता है, जो कि डॉक्टर पड़ता है, आईएएस ऑफिसर जो है महीना में दिन में ये कितना 900 रुपया, और वो लोग तो दिन में एक पेशेंट से 3-4 हजार रुपया 10 हजार रुपया, मेरा बेटी लोग को चूल के लिए जाने से 16-17 हजार रुपया, जो कि वो क्लास 5-6 भी पास नहीं है।
इसलिए स्किल डेवलपमेंट का एक डिपार्टमेंट खुला हुआ है। अभी हम लोन भी देगा, प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा स्कीम एक तो निकला है, आप उसमें चूल कटने वाला, गाड़ी बनाने वाला, ऐसे पढ़ भी, फिर उसका बाद आपका ऊंची जूता पुलिस ऊंची ऊंची करोड़ों करोड़ रुपया है लोन लेके काम करना है, टेलरिंग स्टिचिंग बहुत कुछ है। मैंने जिंदगी में आप लोग सिर्फ आईएएस जो है अभी देखिए उसमें कितना 25-30 लाख लोग आईएएस एग्जाम लेता है साल में, पोस्ट कितना आता है 110-23, आप 0.009% ही चांस है आप आईएएस करने का। तो इसलिए उसको भी सपना देखो, लेकिन दूसरा सपना भी रखो और उसमें काम करो ताकि आप लोग दुखी ना हो लाइफ में। अच्छा तो हम ज़्यादा नहीं बोलेगा, यही खत्म करता है। असली बोलने से आपका क्वेश्चन नहीं मिला अभी तक, आंसर मिल गया फिर हम आएंगे आपका स्कूल में और एक क्वेश्चन बना के रखो ना, ये बहुत बेस्ट स्कूल बेस्ट बच्चा है। थैंक यू ना, वो ताली बजा दिया सर। हाँ ठीक है, तो कानों तो हो गया ना, कानों मत देखो। हाँ ये गुरु जी लोग दिए हैं ना, एजुकेशन का तो बहुत हालत खराब होता है, तो इसलिए जो भी दिया है बहुत कठिन से दिया है ना जी सर, वैसे इसको मत देखो। और आप लोग का खास करके जो प्राइवेट स्कूल बच्चा लोग है और प्राइवेट स्कूल का जो मेरा लोग टीचर आया है, आप लोग कभी भी वही हम बात कर रहा था, आप लोग कभी भी ऐसे मत सोचो कि सरकार आपको सहयोग करता है, ऐसे नहीं सोचे सोचिए। आज सचमुच का सरकार को तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए दिया कि देखो आप लोग को भी यहाँ हम तो क्लास में भी होना चाहिए, अगर हम तो बड़े बाद में एजुकेशन पॉलिसी में हमें से आप लोग जो नहीं मिला है ना दूसरा क्लास 12 ना 12 और 10 उसको नहीं दे रहा है प्राइवेट का ना, आपका जवाब मिल गया। तुम लोग बाद में तुम लोग में से मंत्री बनेगा, तुम लोग में से सेक्रेटरी बनेगा, तुम लोग में से डायरेक्टर बनेगा, पर्सनलिटी मत करो कभी भी ना, अच्छा लगता है पर्सनलिटी को अच्छा लगता है, कोई भी अच्छा नहीं लगता है, इसमें क्या फर्क पड़ता है आप कौन से बोर्ड से दे रहा है नहीं दे रहा है, हमारा बच्चा लोग तो पढ़ रहा है ना उसी बोर्ड में, दूसरा को नहीं पढ़ रहा है, वो पाकिस्तान से आके पढ़ रहा है क्या, चाइना से आके पढ़ रहा है क्या, हमारा ही बच्चा लोग भी पढ़ रहा है, जब हम गवर्नमेंट का बच्चा लोग को दे रहा है तो प्राइवेट को भी तो देना चाहिए, अच्छा लगेगा ना, नकाब लगेगा अच्छा लगेगा ना। तो आप लोग में ही बाद में सेक्रेटरी एजुकेशन होगा, कमिश्नर एजुकेशन होगा, मिनिस्टर एजुकेशन होगा, तो पर्सनलिटी करेगा कि नहीं करेगा अभी बोलो, लेकिन बाद में जब पोस्ट में बैठेगा ना चेयर में बैठेगा ना आपको सब बदल जाएगा बदलेगा। ठीक है थैंक यू।